हेलो, आज हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड कैसे हुआ है अकॉर्डिंग टू स्विंग फाइंडर एडवांस रनिंग जो है हमारा उसके हिसाब से। तो पहले देखते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में, कैसे काम करना है, क्या इस किस हिसाब से मार्केट में करना है देखते हैं। पर जैसे ये आज हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको 4 तारीख का दिखाया था, ये मार्केट ऐसे यहाँ पे नीचे हुआ था, जो भी मैंने प्रोसेस आपको करके करके दिखाया था। तो यहाँ पे समथिंग हमने शॉर्ट सेल करके हमने ये पिछले वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सपोज सुबह जब मार्केट ये कैंडल यहाँ पे ऐसा बनेगा, जब यहाँ पे ये कैंडल बनेगा तो मुझे आगे का मूवमेंट कैसे जज करना है, क्या मार्केट में हो सकता है ये देखना है। तो जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी गिर रहा है, ये गिर रहा है। और मैं मेरे पास जब सुबह में ओपन होता, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था कि एक प्लेन कैंडल बना था, उसके बाद वापस उसके इनसाइडर बना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये फर्स्ट कैंडल प्लेन नहीं है, इसका ओपन और हाई सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्रीवियस ट्रेंड जो है मार्केट का, वहाँ से मुझे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे और प्लेन, दो प्लेन कैंडल भी नहीं आ सकता, या तो प्लेन कैंडल के बीच में इनसाइडर आएगा, वो भी मेरे लिए कंडीशन अप्लाई नहीं करना। तो मैं डायरेक्टली सीधा स्विंग हाई, जो मार्केट डाउन में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कहाँ से गिरना स्टार्ट किया लेटेस्ट, वो पॉइंट से मैं मेरा कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। तो 4 तारीख का सपोज दैट 145 समथिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 1345 जो दिख रहा है, तो मैं टाइम वहाँ पे दे देता हूँ सपोज 4 तारीख का। तो मुझे बहुत सिंपल से काम करना है कि जैसे मैंने एनएसई सिलेक्ट किया, फ्यूचर इंडेक्स सिलेक्ट कर लिया, बैंक निफ्टी का मैंने कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर दिया। और बैंक निफ्टी को ये सुबह मैंने काम किया था, बैंक निफ्टी को 7 तारीख के लिए कौन सा ट्रेड चाहिए था, तो मैंने डेट सिलेक्ट कर दिया। देखो जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, ओके, ये जो मार्केट ने ये थोड़ा वो कंसोलिडेशन करने के बाद वापस यहाँ से जो गिरा था और यहाँ पे रुक गया था 4 तारीख को, तो कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ वो टाइम मैं दे रहा हूँ 4 तारीख को। और पहली बार रिवर्स क्लोजिंग जो आई यहाँ पे आई तो 145 को आ गया। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ने हाई कप किया और वहाँ से गिरना स्टार्ट किया, वो टाइम का डेट और आपको टाइम दे देना है, और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी चीज़ है। बाकी तो सिंबल सिलेक्ट करना है। और मैंने 4 तारीख को 15 मिनट का चार्ट में यूज करो, इसलिए 15 मिनट इंटरवल ले लिया और 145 ले लिया और गेट डेटा कर दिया। जैसे मैं गेट डेटा करूंगा तो मेरे सामने इस हिसाब से डेटा आ जाएगा। ये डेटा मेरे सामने आ गया, मैं जस्ट कैलकुलेटर में क्लिक करता हूँ तो आपको वापस एक नया कैलकुलेशन, मैंने सुबह जो कैलकुलेशन किया तो वहाँ पे दिख रहा है, तो मैं वापस एक बार नया कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा आ गया कैलकुलेशन, ये मेरे सामने कैलकुलेशन है 22443 से मार्केट गिरने वाला था, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे ऐसे गिरने वाला है, तो जब ये प्रोसेस मार्केट गिर रहा है तो मार्केट यहाँ तक कुछ आ चुका है। तो आपको सिर्फ देखना है कि जब आप बैठे तो सबसे नीचे सबसे लोएस्ट वाला प्लेन कैंडल कौन सा है। अभी ये प्लेन है क्या, ये नहीं, ये तो इनसाइडर कैंडल, ये कैंडल के बीच में, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। इसका भी ओपन और हाई ये यहाँ पे देखेंगे, OAH ओपन हाई सेम नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेम नहीं, इसका ओपन और हाई सेम है। देखो 23,141.85। तो हमें सिंपल सी चीज़ है, इस ये हाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए सबसे जो लेटेस्ट नीचे कैंडल रहेगा उसका ओपन और हाई जिसका सेम रहेगा वो हमें बीच में लेके आना है, उसको बीच में लेके आएंगे। तो 23,141.85 समथिंग जो दिख रहा है उससे बीच में लेके आना है। 23,142 पकड़ के चलते 2 मिनट के लिए, इसमें से बीच में लेके आने की प्रोसेस में कर रहा हूँ अभी। मतलब इससे पता चलेगा कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट में आ रही है अप में कब शिफ्ट होगा, वो पॉइंट पता चल जाएगा आपको, ओके। तो वो पॉइंट जब पता चलेगा तो उसी पॉइंट से हमें बाय या सेल करना, ओके। देखो 123,441 जो भी रहेगा, ओके, 23,152 यहाँ पे, मतलब ये 23,141.85 जो भी, ये दोनों के बीच में आ चुका है। इस हिसाब से आज का लेवल हमारे पास रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में हमें क्या बाय करना है। 23,201.something को बाइंग करेंगे और 23,101 को शॉर्ट करेंगे। कल का ही ट्रेंड कंटिन्यू आ रहा है, इसके लिए कल शायद हमें 50-60 पॉइंट में एंट्री मिल रहा था, आज लगभग 100 पॉइंट का आपका टॉप लॉस रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये दो कैंडल बनने के बाद, या तो ये पहले कैंडल बनने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये प्लेन कैंडल कोई साइड में नहीं, डोजी अगर समझ में आ रहा है तो प्रीवियस ट्रेंड से मार्केट में हमें कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर सपोज दैट मार्केट यहाँ पे 23,101 पे अगर आ रहा है तो हम शॉर्ट सेल कर देंगे, कब तक, जब तक 23,201 को मार्केट या तो 202 पकड़ते, इसके ऊपर मार्केट जाता नहीं तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। जैसे आप देखेंगे अभी किसी को क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ पे है आप, इसके बाद अगर मार्केट नीचे ही भागता है तो फिर हमें तो ट्रेड नहीं मिलेगा, तो ये समझ लो टेंशन, मतलब या इसका अगर लो ब्रेक करेगा तो इसके हाई तक हम नीचे आ जाएंगे, तो नया एंट्री मिलेगा अपने आप।
लेकिन देखते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ। देखो यहाँ पे मार्केट ने हाई किया 23,125.90। इसका मतलब क्या है कि आपने जो कैलकुलेशन करके रखा हुआ है 23,101 को, इसमें शॉर्ट सेल हमें मिला है, यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल मिल गया। इसका टॉपलस मैं 23,201.समथिंग को लगा दूंगा। जैसे ही ये टॉपलस लग गया तो मैं सिंपल से वेट करूंगा अगला प्लेन कैंडल आने का, और वो प्लेन कैंडल आएगा और उसका अगर हाई, ये प्राइस जो है मेरा, ये प्राइस के नीचे अगर हाई रहता है तो मैं डाउन फेज में चला जाऊंगा, तब तक मेरा टॉपलस ये मुझे मेंटेन करके चलना है, ठीक है। यही एंट्री पॉइंट रहता है एक्चुअली, लेकिन मैं कंफर्मेशन पॉइंट पे वो देता हूँ। तो इसके नीचे अगर मेरा हाई आता है कोई प्लेन कैंडल बना के, तो मैं डाउन फेज करूंगा, तब तक मुझे डाउन फेज करना नहीं है। इस हिसाब से मैं आगे आ गया। यहाँ पे देखते हैं कि इसका ओपन हाई, ओके हाई भी सेम है, ओपन भी सेम है, और यहाँ पे 23,017.58। लेकिन तकलीफ क्या है कि ये जो बड़ा कैंडल इसकी इनसाइडर में चल रहा है, ये देखो ये जो कैंडल, इसका हाई और इसका लोज बना, इसी के बीच में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, इसलिए मैं कोई चेंज नहीं करूँगा। ये पूरा कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा है, पूरा कंसोलिडेशन। आपको एक पता है कि हमने 23,101 को शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, वापस 104 तक आया। तो ये रेंज है, जब आप मार्केट यहाँ पे ऊपर आएगा तो आपको वहाँ पे प्रेशर दिखेगा, मार्केट वहाँ पे पब्लिक सेल करेगी, और जैसे ये नीचे आ जाएगा तो लगभग 22,721 तक मार्केट आया था आज के डेट में। जब इतना मार्केट नीचे आया तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो वो तो चीज़ आपको मैं यहाँ पे टारगेट पे ही दिखा दूंगा, जैसे शो टारगेट टॉपलस करूंगा तो आपको बुक हाफ प्रॉफिट और बुक कंप्लीट प्रॉफिट दिखेगा। जब आपने 100 पॉइंट का रिस्क लिया रहेगा तो 22,949 को आप हाफ प्रॉफिट, दो में से एक लॉट बुक कर सकते हो, और 838 को 36 को आप दूसरा लॉट भी बुक कर सकते हो। इस हिसाब से आप कंप्लीट प्रॉफिट बुक करना कर सकते हो। या तो हम जो रैली में रुकते हैं, तो रैली में तो बहुत आसान है कि सिर्फ अपना टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर इसके नीचे अगर लो बनता है, इसके नीचे अगर हाई बनता है, तो इसको डाउन फेज में करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, और 3:15 बजे जो भी मार्केट में प्राइस रहेगा उसको पूरा प्रॉफिट। जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई भी, ये जो बड़ा कैंडल था इसी के बीच में पूरा मार्केट मूव कर रहा था, ओके, और एक ही भी प्लेन कैंडल नहीं मिला। ये हमें इसके बीच में था, इसलिए प्लेन कैंडल को हम यूज़ नहीं कर रहे, वो देखेंगे। और ये नीचे सिंपल सा चीज़ है कि कोई कैंडल किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, इसको इंसाइडर बोलेंगे हम। अगर ऐसा नहीं है और सिंपल से ऐसा कैंडल बन गया, बहुत ईजी। देखो यहाँ पे 22,999.90 लगभग 23,000 का लो आपको, हाई आपको दिखेगा ये कैंडल का। देखो यहाँ पे ये वाले, ये यहाँ पे आए देखना है आपको, ये जब मैं कैंडल पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये तो मैं आपको यही पे दिखा देता हूँ कि इसका हाई और ओपन देखना 22,999.94, दोनों हाई और ओपन सेम है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं अभी हमारा कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं है, इनसाइडर नहीं है। ये जो बड़ा कैंडल बना था उसी के बीच में दिन भर मार्केट मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे जब मूवमेंट आया तो मार्केट नीचे आ गया, तो आपको समझ में आ गया कि ये ब्रेकडाउन हो गया है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो इसका हाई जो है इसको हम देखेंगे कि इसके नीचे है क्या, तो हाँ 23,000 है वो, और ये 23,038 है, मतलब नीचे है। तो मैंने सिर्फ डाउन फेज पे क्लिक कर दिया। मैं ट्रेनिंग में और डिटेल आपको सब कुछ समझाऊंगा कैसे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए सपोज जिसने 23,101 को शॉर्ट सेल किया होगा, उसका टॉप लॉस ही अभी प्रॉफिट में आ जाएगा 23,098 समथिंग, कुछ ना कुछ 1-2 रुपया कुछ ना, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। और अभी मार्केट नीचे जाएगा, जितना भी नीचे जाएगा तो हमें कंटिन्यू करना है, और इंट्राडे का ये ट्रेड मतलब मैक्सिमम 3 या 3:15 बजे तक हमें ये ट्रेड खत्म कर देंगे, और वही में मार्केट में मूवमेंट ये मिला है हमें। और इस हिसाब से मार्केट में यहाँ पे ये आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, अच्छा दिन नहीं था, बहुत अच्छा दिन नहीं था, यहाँ पे बहुत लोगों ने पैसा गवाया ही होगा। हमारे लिए अब सब चीज़ क्या है कि आप मार्केट में एक ट्रेड लेंगे, एक टॉपलस जा सकता है कभी ना कभी, लेकिन मार्केट के डायरेक्शन में आप ट्रेड में बैठेंगे तो ये सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। और जितना कम ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं तो क्या होता है 5-10 पॉइंट इधर उधर गया, मतलब ट्रेड लेंगे इस हिसाब से काम करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है, ओके। अगर आपको डिटेल कुछ चाहिए मार्केट, मतलब अगर जिनको ट्रेनिंग लेना है सपोज स्विंग फाइंडर का, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या होता है कि स्विंग फाइंडर के हिसाब से आपका टॉपलस बहुत कम रहता है पहली बात तो, और आप कोई भी टाइम पे, जैसे मैंने अभी आपको
15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन किया है, यही चीज़ आप 5 मिनट में मतलब इससे भी कम और दो ट्रेड मिल सकते हैं आपको इसमें, वो भी ले सकते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। और सपोज कोई 30 मिनट्स यूज़ करना है, 1 ईयर 1 डेली, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। जैसा अभी मार्केट अभी गिरना स्टार्ट हो रहा है तो जो ऊपर आया 7500 से निफ्टी ऊपर आया, या तो बैंक निफ्टी 18000 से जो ऊपर आके अभी ऊपर आया, तो उसके बाद हम अभी डाउन में, तो डाउन मतलब ट्रेंड चेंज किया कि नहीं किया, वो चीज़ भी हम यहाँ पे स्विंग फेंडर से निकाल सकते हैं। ओके, और ट्रेड लेने का कम्फर्ट जोन तो बहुत अच्छा रहता है, आराम से ट्रेड ले सकते हैं। पहले 10-15 मिनट में ट्रेड लेना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट अपने आप टाइम देगा, चांस देगा, उस टाइम पर ट्रेड लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट रेशो बहुत अच्छा रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस हिसाब से मैंने ये सब चीज़ दिए हुए, जिनको डिटेल में और जानना है मार्केट में और ट्रेनिंग लेना है तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ये कांटेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, आप कांटेक्ट कर लो, जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।